वालेकुम फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग एंड हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन तो मैंने ये वीडियो आपके लिए संभाल कर रखी थी कि आपके साथ मैं न्यू ईयर पे शेयर करूँगी न्यू ईयर जैसा है कुछ भी नहीं है इसके अंदर बेसिकली ब्राइडल मेकअप में मैंने ये स्टाइलिंग की थी और आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि ये वाली हेयर स्टाइलिंग सिखाई जाए जो कि बारबी हेयर स्टाइलिंग है हाई पोनी वाली लुक आती है लेस हेयर में भी थिन हेयर में भी एक वॉल्यूम वाली स्टाइलिंग क्रिएट कर सकते हैं आप तो चलें हम स्टार्ट करते हैं बिसमन है जैसा कि आपने देखा कि हमने क्राउन एरिया के बाल ईयर टू ईयर पार्टिंग कर ली है और उससे जो रिमेनिंग बाल हैं पीछे के उसको भी दो हिस्सों में डिवाइड किया ठीक है आधे बालों की पोनी कर दी है और उसको आगे की तरफ करके और फिर ये हमने Uh, हमने बेसिकली एक मॉडल का मेकअप और स्टाइलिंग मेकअप नहीं स्टाइलिंग हमने देख के ये हमने बनाई थी स्टाइलिंग आपके लिए तो आपने देखा आगे की तरफ बालों को किया नेट uh, हमने बीच में फिक्स की और इस तरह से हमने पिनअप करके और वापस हम इस तरफ लेकर आए और बैकॉमिंग uh, करेंगे ताकि इसके अंदर थोड़ी सी uh, अच्छी सी वॉल्यूम भी आ जाए तो ये जनाब और ये हम नेट पे डालते जाएंगे हल्की सी होगी बेकॉमिंग क्योंकि ऑलरेडी आपने नेट सेट किया हुआ है तो ऑलरेडी इसकी इसमें अच्छा वॉल्यूम आ जाता है उसके बाद जनाब ये फ्रंट की स्टाइलिंग हो रही है फ्रंट की स्टाइलिंग वही है ट्वेस्ट स्टाइलिंग जो कि आप आपको अक्सर आपने देखा होगा अभी यहाँ पे हम पहले थोड़ी सी फिनिशिंग करेंगे क्राउन एरिया पे यूजुअली क्राउन यहाँ पे हम रखते हैं या फिर जैसे मैक्सी की स्टाइलिंग होती है उसमें स्टाइलिंग की जाती है तो ये इस तरह से हमने एक बैक कॉम करके ट्विस्ट किया उसके उसको हमने पीछे वाले बालों में फिक्स कर दिया दूसरे साइड पे भी हमने इसी तरह से किया और करने के बाद जो है हम इसको थोड़ा सा टीजअप करेंगे थोड़ा सा इसको हाइट मजीद और देंगे तो जिस तरह से हमारी हेयर स्टाइलिस्ट ये कर रही हैं आप ये देखें वैसे वॉइस ओवर की ज़रूरत नहीं होती हेयर स्टाइलिंग में एक दफ़ा मैंने सिर्फ़ जो है वो म्यूज़िक uh, डाल दी थी तो मुझे अक्सर लोगों ने कहा था कि आप वॉइस ओवर किया करें कि सिर्फ म्यूज़िक से हमें समझ में नहीं आता जब आप बताती हैं तो हमें ज़्यादा बेहतर समझ में आता है तो जिस तरह की भी आपकी डिमांड होगी डेफिनेटली मैं उसी तरह करूँगी अब हमने वो एक पार्टिंग आपने देखी कि हमने इयर टू ईयर पार्टिंग जो निकाली हुई थी उससे पहले हमने बैक कॉमिंग करके थोड़ा सा क्राउन एरिया को वॉल्यूम दे दिया और अब हम फ्रंट के बालों को कर रहे हैं और जस्ट हम फ्रंट हेयर स्टाइलिंग जो जिस तरह से की जाती है और अगर आपको नहीं आती तो ये जो की जा रही है आप इसकी प्रैक्टिस करें आप इसको ग़ौर से देखें बहुत आसान चीज़ें हैं हेयर स्टाइलिंग देखने में लगता है कि नहीं कर पाएंगे लेकिन ये सारी बात होती है प्रैक्टिस की आप जितनी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस करेंगी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगी उतनी ही ज़्यादा जो है आपके कामों काम में जो है वो आ, क्या कहते हैं कि फिनिशिंग आएगी उतना ही ज़्यादा आपका काम डे बाय डे इंक्री अच्छा होता जाएगा खूबसूरत होता जाएगा तो बहरहाल ये एक तरफ की हो गई स्टाइलिंग अच्छा जो आपने आ, लार्ज कॉम देखा है उससे क्या होता है कि मैंने अपनी एक वीडियो आ, दूसरे चैनल पे बनाई थी और जिसके अंदर ये किया था कि ये जो गैप वाले वाला बिग कॉम होता है आप इसके थ्रू जो है आप लाइनिंग बहुत अच्छी क्रिएट कर सकते हैं तो यूजुअली हमें जब आ, लाइनिंग क्रिएट करनी होती है इसमें भी फ्रंच में भी तो हम उससे क्रिएट कर रहे होते हैं तो बिल्कुल आपने भी इसी तरह से करना है काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपके लिए प्लान कर रखी हैं कि मेकअप के से रिलेटेड क्योंकि मेरी वीडियोस में मुझे लगता है कि आप लोग मेकअप को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं तो बहुत कुछ प्लान किया हुआ है लेकिन जैसा कि आपको पता है कि ये वेडिंग सीज़न चल रहा है और बहुत ही ज़्यादा मसरूफियत है अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से और बेशक आप लोगों की दुआओं से अल्लाह का करम और आपकी दुआएँ और सबसे पहले मेरी अम्मी की दुआएँ कि उनकी वजह से जो है आज अल्लाह ताला ने मुझे मसरूफ़ किया हुआ है और मैं मसरूफ़ हूँ पूरा सीज़न शादियों का सीज़न है तो मेकअप और मेकअप और आप लोगों की मोहब्बत की वजह से दूर दूर से लोग आते हैं मेकअप करवाने के लिए तो बहरहाल इस वजह से इस पूरे मंथ मैं शूट नहीं कर पाई हूँ तो ये लास्ट जो मैंने शूट किया था आगे के लिए मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं क्या करूँ लेकिन मैंने बहुत कुछ प्लान किया हुआ था कि पार्टी मेकअप से रिगार्डिंग आप लोगों को बहुत कुछ सिखाऊंगी तो बहरहाल ये हमने फ्रंट की स्टाइलिंग डन की और जो हमारा दरम्या में गैप था जो हमने बैक कॉमिंग से कवर किया था वहाँ पर हमने ये हेयर एसेसरी एड कर दी आप यहाँ पर चाहे तो क्राउन लगा लें जब आप मैक्सी पे स्टाइलिंग बनाते हैं तो ये क्राउन स्टाइल बहुत प्यारा लगता है अब यहाँ पे हम कर्स कर रहे हैं जिस तरह से नॉर्मली कर्स किए जाते हैं तो इसलिए मैंने वीडियो फा फास्ट फॉरवर्ड कर दी है तो बहरहाल अब तक आपने इस वीडियो में जो भी देखा आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कर्लर जो है वो रेमिंगटन का है औरिजिनल और स्प्रे जो हम यूज़ कर रहे हैं वो सेबिल का कर रहे हैं तो ये हो गया हमारा फाइनल लुक तो आपको कैसा लगा अगर आपको काम पसंद आया तो मेरे लिए और मेरी अम्मी के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा मेरी वीडियोस को शेयर करें अगर पसंद आए तो और अगर चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्लीज़ ज़रूर जो है वो प्रेस कर दीजिएगा अपनी दुआओं में बहुत सारी मोहब्बतों में मुझे याद रखिएगा मेरे सलून को याद रखिएगा टेक केयर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अपना बहुत ख्याल रखिएगा